कुरुक्षेत्र के गांव मिर्जापुर से स्कूल से बाहर चौथी कक्षा के 10 वर्षीय छात्र गुरमीत का आज दूसरे दिन भी कोई पता नहीं चला। हालांकि पुलिस या गोताखोरों ने नहर पर सर्च अभियान चलाया है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। अलबत्ता अपहरण के आरोपी अक्षय को पुलिस ने 4 दिन की रिमांड पर लिया है और उसकी प्रेमिका को 2 दिन के रिमांड पर लिया है। इनसे पुलिस गहन पूछताछ कर रही है। परसों हमें एक सूचना मिली थी कि मिर्जापुर गांव के पास से स्कूल के आगे से कोई 10 साल के बच्चे को उठा के ले गया। इस पर सूचना मिलती हमने मुकदमा दर्ज करके और इसकी तफ्तीश जारी कर दी थी और दौरान इन्वेस्टिगेशन एक लड़का हमने अक्षय समाणा का लड़का है जो यहाँ पंजाब का आता जाता था रिश्तेदारी में, थोड़ी बहुत उसकी रिश्तेदारी पड़ती थी, तो उसको हमने अरेस्ट कर लिया और आज उसका 4 दिन का रिमांड भी लिया हमने। तो उससे पूछताछ में ही पता लगा था कि उसकी जो मरने वाला है लड़का, उसके फादर से कुछ दिन पहले पिछले महीने की 11 या 12 तारीख के आसपास उसकी थोड़ी हाथापाई हुई थी। उसके फादर ने इसको डांटा था कि भी इस गांव में कोई रिश्तेदार नहीं है तो क्या आना जाना है, तो इस वजह से वो खुंदक रखने लग गया था। तो जिसकी वजह से उस दिन परसों आकर ये इस घटना को इसने अंजाम दिया और बच्चे को एज पर इस डिस्क्लोजर कि उसने नहर में फेंक दिया बच्चे को। तो कोई सर लेडीज का ही मामला सामने आया? हाँ, कुछ इसका प्रेम प्रसंग का मामला उसी गांव की एक लड़की के साथ सामने आया था जिसको भी अरेस्ट किया गया है और आज 2 दिन के रिमांड पे उसको भी लिया गया है। तो क्या सर इस लड़के ने उसको देख लिया था, उसमें दोनों को मिलता जुलता? अभी तक तफ्तीश में यही कुछ बात आई है कि बच्चे को कुछ एक बात इनके बारे में कुछ पता चली थी, तो जिस वजह से ये लड़का भी उससे थोड़ी सी खुंदक रखने लग गया था। उसमें बच्चे का भी नहर का शंका जताई रही है कि? हाँ, नहर की शंका जताई जा रही है। जहाँ इसने बताया कि गिरी है वहाँ तलाश की जा रही है, नहर थोड़ी सी अभी पानी ज्यादा है इसकी वजह से, आगे तक पूरा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो सर अभी रिमांड पे दोनों? हाँ, अभी लड़का 4 दिन के रिमांड पे और लड़की अभी 2 दिन के रिमांड पे ली है। उम्र कितनी है इसकी? नहीं, वैसे कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, बट इनका थोड़ा सा आपस में प्रेम प्रसंग का भी थोड़ा सा। कुरुक्षेत्र से दर्शन कैद की रिपोर्ट। इसी प्रकार की अन्य खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए एसटीवी के साथ।